कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया, कर हर मैदान। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों ये है एक मिनी फैन एयर कंडीशनिंग जैसा कि इस पर लिखा हुआ है। तो आप लोग बहुत सारी वीडियोस देखते होंगे या इंटरनेट पर भी देखते होंगे कि ये है एक मिनी फैन, मिनी एसी, आपके घर में छोटा सा एसी आ जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये नॉर्मल एक फ़ैन है। इसके बारे में आज आपको बता देंगे। पहले इसके प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो ऑनलाइन मार्केट में आप देखेंगे तो सबसे कम ये 450 रुपये तक का ही है, उससे लेके 800 रुपये तक भी सेलर्स दे रहे हैं। लेकिन अगर आप ऑफलाइन मार्केट की बात करें, जहाँ से मैंने लिया है ये आप लोग के लिए दिखाने के लिए, तो वहाँ ये आपको अराउंड 250 से 300 रुपये का आराम से मिल रहा है। तो मतलब बेकार में ऑनलाइन मार्केट में क्यों जाना जब ये पहले इतना सस्ता है। तो ये है इसकी प्राइसिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो देख सकते हैं आप, बॉक्स में सामने लिखा है मिनी फैन एयर कंडीशनिंग। यहाँ पर इसमें अच्छी बात यह है, ये यूएसबी प्लग इन से भी चल जाता है, आप यूएसबी से लगा के भी चला सकते हैं। और इसमें आप वाटर भी डाल सकते हैं नीचे की ओर, अभी सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। और इसमें कुछ फ्रेग्रेंस वगैरह का भी आप डाल सकते हैं, साथ में बॉक्स में आता है, अभी दिखाते हैं आपको। इन चार कलर ऑप्शंस में ये आता है, आप देख सकते हैं। इसमें आपको चार बैटरीज लगाने का ऑप्शन मिल जाता है, अलग अलग सेल आप लगा सकते हैं। और इसमें लिखा है कि आप यूएसबी को और सेल को एक साथ यूज़ ना करें, इसकी बैटरी को और यूएसबी का यूज़ एक साथ ना करें। जिस तरीके से मुझे पैक वो मिला था वैसे मैं अब आप लोग को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको मिल जाती है इसकी एक केबल, तो ये है इस टाइप की कुछ केबल, अच्छी भी नहीं है। और बॉक्स के अंदर आपको और भी चीज़ें मिल जाती हैं, चलिए आपको दिखा देता हूँ। तो ये है इसके फ्रेग्रेंस सेल्स। जब भी आप इसमें पानी डालेंगे, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, तो आप इनको डालेंगे तो उससे जो एयर आएगी उसमें बस खुशबू आएगी, फ्रेग्रेंस अच्छी सी होगी, इसका मतलब बस यही है। तो चलिए बॉक्स को यहाँ पर हटा देते हैं और फाइनली आपको ये चीज़ें दिखा देते हैं। तो ये है हमारा मिनी फैन जिसको आप देख सकते हैं, पिंक कलर का फ़िलहाल मेरे पास यहाँ पर है, कुछ इस तरीके से देखने में नज़र आता है। पीछे आप इसमें बैटरीज डाल सकते हैं, आप देख सकते हैं 3 यहाँ पर बैटरी लगती है। इसी के साथ साथ यहाँ पर इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है जो कि बिल्कुल यूज़लेस है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो यूएसबी वाला प्लग है ये यहाँ लगता है, और इसको आप आपके चार्जर में या लैपटॉप पीसी वगैरह में हर जगह कनेक्ट कर सकते हैं, जहाँ से भी पावर मिलेगी और ये आपका चालू हो जाएगा। तो ये है फ़ैन, आप देख सकते हैं, ये है इसके आउटलेट्स आप देख सकते हैं। तो यहाँ से ये लेता है एयर, तो ये जो आपकी हवा लेता है वो यहीं से लेता है और यहीं से निकाल देता है, काफ़ी अच्छी बात है। जैसे यहाँ पर मैं सेटअप के अराउंड लाइट जा चुकी है, बट द शो मस्ट गो ऑन, तो आपको दिखा देते हैं ये ऑन हो चुका है और काफ़ी ठीक ठाक हवा है इसकी, ज़्यादा तेज़ हवा यहाँ पर नहीं आती है। आप इसकी साउंड सुन लीजिए, नॉर्मल मोड में रहे, इसमें और कोई मोड ही नहीं है, वैसे यही है। तो कुछ ऐसी आवाज़ आपको यहाँ पर सुनाई देती है, आप देख सकते हैं। ये है इसका वाटर डालने का आउटलेट, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप पानी डाल सकते हैं और उसमें ही आप ये फ्रेग्रेंस बॉल्स ऐसे के ऐसे भी डाल सकते हैं, या वैसे इसका पाउच से निकाल लें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और बस सिंपली आपको पानी डाल के यहाँ पर इसको बंद कर देना है, जो इसमें 2 सॉकेट्स हैं उनके थ्रू ये बंद हो जाएगा, और आप इसमें लगा दीजिए और चला दीजिए तो आप पे ठंडी हवा आएगी। दोस्तों एक चीज़ और है यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सारे तार वगैरह देखने को मिल जाते हैं। तो आप ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पानी है और फिर बिजली भी है तो कुछ गड़बड़ होगी, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर कम्प्लीटली वाटरप्रूफ वायर्स हैं, आपको 200 रुपये में वाटरप्रूफ वायर्स भी मिल रही हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। क्योंकि बहुत बार मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है कि इस पर पानी था और मेरे ध्यान में नहीं रहा, तो मैंने ऐसे कर दिया या ऐसे कर दिया तो सारा पानी आगे पीछे से चारों ओर से निकल जाता है, बट स्टिल इट इज़ वर्किंग। तो ये ऐसा है, और मैं अपने एक्सपीरियंस में आपको बताऊं दोस्तों, तो ये सेल पर जो है इसकी हवा थोड़ी कम आती है, और अगर मैं चलाऊं इसको इस यूएसबी से तो यूएसबी पावर से थोड़ी सी तेज़ हवा देता है, तो ये भी मैंने एक्सपीरियंस करा। और साथ में मैं चलाता हूँ तो सबसे ज़्यादा तेज़ हवा आती है, लेकिन यूएसबी की जो हवा है यानी जो तेज़ है उससे बहुत माइनर डिफरेंसेस रहते हैं, इतना कुछ खास डिफरेंस यहाँ पर नहीं हो पाता है। तो इतना कुछ यहाँ पर होता है इस फैन के अंदर, बट फिर भी कभी कभी काम आ जाती हैं इस तरीके की चीज़ें, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के लिए इसकी एक वीडियो बना दूँ। तो ये था इसकी एक वीडियो मिनी फैन की, आप लेना चाहें तो ले लीजिएगा, ना लेना चाहें तो मत लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, ख़राब लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, ऐसे ज़्यादा पसंद आई नहीं होगी, टॉपिक इस तरीके का है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इससे बेटर वीडियोस देखने के लिए, और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं आपसे हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बोलते बात माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।